पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना साहिब, रविशंकर प्रसाद बीजेपी और कांग्रेस से अंशुल अभिजीत, क्या कहेंगे सर? पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद पिछली बार जीते थे और उन्होंने हराया था शत्रुघ्न सिन्हा को, कांग्रेस के थे उस समय वो कैंडिडेट। 322,849 वोट से रविशंकर प्रसाद जीते थे और इस बार तो रविशंकर प्रसाद को समझिए जो एक तरह से केक वॉक मिल गया है जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है। क्या कहेंगे वो जाती है? देखिए, पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब में निश्चित रूप से लड़ाई तो नज़र आ नहीं रही है। अगर बात करें यहाँ तो सवर्णों को और कायस्थ को मिला करके यहाँ करीब 9 लाख के आसपास वोटर होते हैं और ये निर्णायक भूमिका में। आपको याद होगा कि जब मैं खबर कर रहा था तो एक सवर्ण समाज के ही एक नेता ने मुझे फ़ोन किया था और जानना चाह रहे थे कि क्या स्थिति है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या स्थिति है, तो बोले कि देखिए हम हैं तो, अब ये कहना नहीं चाहिए था मुझे लेकिन कहना मजबूरी है, कि हम हैं तो ठीक है कि बदलाव के पक्ष में लेकिन वोट देंगे विकास के पक्ष में। दैट मीन्स कि उनके समाज के लोग भी उसी तरफ होंगे, चूँकि इन्फ्लुएंस करने वाले नेता हैं तो निश्चित रूप से यहाँ यादवों की संख्या भी 2.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख से ऊपर यहाँ मुस्लिम हैं। MY समीकरण यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा कि पहले भी आपको बताया कि एक निश्चित रूप से उम्मीदवार का नाम तक लोग नहीं जानते थे, तो दैट मीन्स लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था। सबसे अंत जो नाम रखा गया था इस पूरे 40 सीटों में वही थे अंशुल अभिजीत। पटना साहिब सीट पर क्या कहेंगे सर, एक लाइन में अगर सवाल किया जाए तो? यहाँ से दूसरा प्रत्याशी है कहाँ कोई? यहाँ तो ना रविशंकर जी यहाँ से लड़ रहे हैं और कोई लड़ नहीं रहा है। रविशंकर जी का टिकट कटने वाला था, अंतिम समय में उनको दिया गया। अब मैंने देखिए कहा था कि दिन कितना ख़राब होता है, कभी कभी लगा कि टिकटें कट जाएगा, ऋतुराज सिंह यहाँ से लड़ेंगे, फलना लड़ेंगे, चिल्लाने खूब नाम हुआ था, ऋतुराज सिंह मजबूत स्थिति में हो भी गए थे, लेकिन अंततः भाजपा ने देखा कि एक टर्म इनको और देना जरूरी है। यहाँ के जो वोटर्स हैं, देखिए वो भी कायस्थ से भी कायस्थ हैं, समीकरण तो पक्ष में है, यहाँ के कायस्थ किसी को जितने ही नहीं देंगे, ये उनका फिक्स्ड फॉर्मूला है। जब यहाँ से आते हैं दूसरे पार्टी से भी कायस्थ तो वो NDA की तरफ ही भागते हैं क्योंकि सब कायस्थ तक रहे हैं। अंशुल अभिजीत कहाँ से आ गए कुशवाहा, ये समझ में नहीं आया। कुशवाहा राजनीति इतनी मजबूत हो गई, स्टॉक इतना मजबूत हो गया रातों रात कि ढेला पर वही बोल रहे हैं कुशवाहा लिख के रख दिया गया, वहाँ भी सोचा गया कि जीत जाएंगे, तो अच्छी बात है। कुशवाहा राजनीति का मैं बड़ा सपोर्टर हूँ, शुरू से आप जानते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मजबूत कुशवाहा को मिलता तो बात अलग होती। यहाँ पर नो लड़ाई सीधी जीत। दूसरा प्रत्याशी कौन, मैं अभी भूल गया हूँ, अभी बोल रहा था जिनका नाम मैं भुला गया, क्या नाम उनका? अंशुल अभिजीत है, अंशुल अभिजीत कुशवाहा, कुशवाहा है जी। सबसे बड़ी बात है कि जो ये चुनाव शुरू हुआ था उसमें भी आपको नजर आया होगा कि कास्टों के बीच में आपस में ही लड़ाई थी, कोई सीट पर कौन आएगा, नमन जी जैसा बता रहे थे, तो इसमें एक शख्स का नाम इसमें लेना बहुत जरूरी है जो स्टार्ट भी किए और लास्ट भी किए, रणवीर नंदन। उन्होंने स्टार्ट भी किया था इस समाज को एकजुट करने के लिए, तो बताते हैं या नितिन नवीन का नाम चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रभारी बन के जीत गए थे, जीता क्या है तो उनको मिलना चाहिए, यहाँ का गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। अब इतना ना कंफ्यूजन हो गया ना कि रविशंकर का तो काट देंगे, किसको दें, रणवीर नंदन है वो आए हैं पार्टी ज्वाइन करने तो इसीलिए आए होंगे कि टिकट मिले, ऋतुराज हैं इतना बड़ा हाई प्रोफाइल है असम में, इतना बड़ा गेम कराए हूँ, फिर छत्तीसगढ़ वाले नितिन नवीन तो किसको दिया जाए, तो देखा गया कि भाई तीन लोग हैं, एक को दे देंगे तो चार नाराज होंगे, उससे बड़े हैं इन्हीं को वापस दे दो, ये तीनों वेटिंग में चले जाएंगे कि क्या करें, किसी को नहीं मिला। लेकिन लेकिन पटना साहिब एक तरह से फिल्म सेट हो गया है, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, कुणाल, हर तरह का हथकंडा, शेखर सुमन भी ज्वाइन कर लिए हैं भाजपा, अगला बार कहीं वो भी नहीं आ जाए यहाँ से प्रत्याशी बन के, चार लोगों में हो जाएगा फिर पाइट। चलिए, रविशंकर प्रसाद की जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।